भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर इस वक्त राजस्थान की पुलिस के हिरासत में है, और बाड़मेर जिला जो है राजस्थान का उसकी पुलिस के पास जो नवाब सतपाल तंवर है उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने रखा हुआ है। लेकिन बड़ी जानकारी अब आपको बता दें कि नवाब सतपाल तंवर को 10 तारीख तक यानी शुक्रवार 10 तारीख तक रखा जाएगा, और उसके बाद अगली जो डेट है वो लेगी, और उसी डेट पर नवाब सतपाल तंवर को आगे कितने दिन के लिए रखा जाता है ये अलग बात होगी, लेकिन अभी तक के लिए ये फाइनल है कि नवाब सतपाल तंवर को 10 मार्च तक जेल में ही दिन बिताने पड़ेंगे। दरअसल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत को लेकर राजस्थान के बाड़मेर दौरे के दौरान एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद नवाब सतपाल तंवर की है वो गिरफ्तारी हो चुकी थी, और गिरफ्तारी के बाद नवाब सतपाल तंवर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 15 दिन के रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि 10 मार्च तक नवाब सतपाल तंवर का जेल में रहना तो कंफर्म है ही, साथ ही उसके बाद कोर्ट में अगली हियरिंग होगी 10 तारीख के बाद, तो उस दिन ये देखना दिलचस्प होगा कि नवाब सतपाल तंवर को जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती। लेकिन बड़ी अपडेट हम आपको एक और बता देते हैं कि नवाब सतपाल तंवर को 10 दिन बाद जब कोर्ट से अगर इस मामले में यानी बाड़मेर वाले मामले में जमानत मिल भी जाती है तो पाली के अंदर भी उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज है, जिसको लेकर राजस्थान पुलिस है वो सक्रिय हो चुकी है, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिस तरीके के जो बयान दिए गए थे उनको लेकर यहाँ नवाब सतपाल तंवर है वो निशाने पर है, और उनको लगातार जो है गिरफ्तार किया गया है। तो इसके चलते अब आप साफ नजर आ रहा है कि नवाब सतपाल तंवर की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं उनके समर्थक और भीमसेना के कार्यकर्ता कि 10 मार्च को नवाब सतपाल तंवर को है वो एक तरीके से जमानत है वो मिल जाएगी। बिना किसी अपडेटों के साथ तब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।